हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक ब्लॉगिंग की सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें मैं आपको ब्लॉगिंग के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, ब्लॉगिंग जो है वो एक सीरियस जर्नी है इंटरनेट के ऊपर। अगर आप उसे अच्छी तरह से कर लेते हो तो फिर आप पैसिव इनकम, यानी कि अगर आप सो रहे हो फिर भी आपको पैसे आते रहेंगे, इस तरह की इनकम आप ब्लॉगिंग से कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट नंबर 6 में है और इसमें हम बात करेंगे कि बैकलिंक के बारे में। तो हम जानेंगे कि बैकलिंक क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, आप आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी के पार्ट 6 के बारे में। अगर पार्ट 5 हम लोग पहले बना चुके हैं जो कि आप लोगों ने नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिस्ट दे दूंगा, जो कि ब्लॉगिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है। तो वहाँ जाकर आप इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम 6 पार्ट में बात करेंगे बैकलिंक के बारे में। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैकलिंक क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूंगा कि बैकलिंक क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बैकलिंक के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे बैकलिंक्स के इम्पोर्टेंट कि क्या रोल होता है बैकलिंक का, और बैकलिंक आपके ब्लॉग के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट तरहती है। तो दोस्तों, बैकलिंक क्या होती है ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपकी वेबसाइट है, यानी कि यहाँ पर, और ये जो है ये दूसरे बंदे की वेबसाइट है। तो आपकी वेबसाइट ये वाली जो है और ये वेबसाइट भी एक है, तो इस बंदे का क्या है कि इस बंदे की जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब उसने बहुत साल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है अपने ब्लॉग के पीछे, और ये वेबसाइट गूगल के पेज में रैंक भी कर रही है, लेकिन आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रही है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के आर्टिकल और आपकी वेबसाइट भी गूगल में रैंक करे, तो आपको क्या क्या करना होगा? तो दोस्तों, आपको इसका पूरा SEO करना होगा। जो ऑन पेज SEO है वो पिछले पार्ट में हमने कवर कर लिया था कि ऑन पेज SEO क्या होता है, और आपने जो मैंने वीडियो रिकमेंड किए थे यूट्यूब पर देखने के लिए, वो वीडियो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो पार्ट 5 अगर आपने नहीं देखा SEO वाला, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, एक आता है ऑफ पेज SEO। तो ऑफ पेज SEO में बैकलिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बैकलिंक क्या होती है कि मान लीजिए इस बंदे की वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत सालों से ये बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट तो अभी न्यू है, तो गूगल को और लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट भी अच्छे आर्टिकल पोस्ट करती है? आपकी ट्रस्ट फैक्टर क्या होगे? तो सिंपल, आपकी वेबसाइट क्या करेगी, आपकी वेबसाइट इसकी जो वेबसाइट है उससे एक बैकलिंक लेगी। मतलब ये बंदा अपना कोई भी आर्टिकल अगर लिखता है तो उसमें ये आपको बैकलिंक देगा, मतलब कि आपकी वेबसाइट का अगर कोई भी नाम है, जैसे कि XYZ आपकी वेबसाइट है, XYZ.com, तो ये वाला बंदा क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट का लिंक अपने किसी ब्लॉग के आर्टिकल में दे देगा। तो इससे क्या होगा कि लोग आपकी वेबसाइट को भी जानने लगेंगे। तो ये यहाँ से आ गई आपके पास एक बैकलिंक, मतलब इस बंदे ने अपने लिखे आर्टिकल में आपकी वेबसाइट को लिंक दे दी है। सेम इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट भी पॉपुलर हो जाती है तो आप भी इसको लिंक दे सकते हो, लेकिन ये लिंक हम लेंगे कैसे, कैसे वो बंदा हमको लिंक देगा, इसके बारे में बैकलिंक के बहुत सारे तरीके हैं बैकलिंक लेने के, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, जितनी अच्छी ब्लॉग से बैकलिंक आप बनाओगे, उतना आपका ब्लॉग अच्छा ट्रस्टेबल माना जाएगा और उतना ही अच्छा वो गूगल में रैंक करेगा, और आपका SEO बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। तो पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको आर्टिकल कैसे लिखना है ये सब कुछ बताया गया है। तो दोस्तों, बैकलिंक का अगर मैं सिंपल इंपॉर्टेंस दूँ तो यही है कि आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, इंटरनेट पर ये आपकी एक वेबसाइट है जो कि किसी एक चीज़ के ऊपर आपको बताती है, और इंटरनेट पर और भी हज़ारों वेबसाइट है। तो दोस्तों, अगर ये हज़ारों वेबसाइट है इंटरनेट पे, वो अगर आपकी ब्लॉग की तारीफ़ करते हैं, तो मान लीजिए आपका ब्लॉग भी पॉपुलर हो जाएगा, यानी कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन के बारे में अच्छी जानकारी देती हो, तो बाकी के कुछ वेबसाइट है जैसे कि 100, 200, 1000 वेबसाइट है, वो अगर अपने आर्टिकल में बोल दे कि इस बंदे की वेबसाइट पे आपको मोबाइल की अच्छी जानकारी मिलती है, तो ये क्या करेगा, अपने किसी पोस्ट में आपका लिंक दे देगा आपके पोस्ट का, तो आपको एक बैकलिंक मिलेगा, और उस बैकलिंक की अहमियत बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट में जाके दूसरों के ब्लॉग पे स्पैमिंग बैकलिंक बना लेते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। हमको अच्छे ब्लॉग से जो भी जेन्यून बैकलिंक होती है वही लेने हैं। तो हम अच्छे बैकलिंक कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपका अर्निंग का तरीका होगा
वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी वेबसाइट पर विजिटर है। तो विजिटर लाने के लिए आपको सर्च इंजन से ट्रैफिक चाहिए होगा, सर्च इंजन यानी कि गूगल। तो गूगल पे ट्रैफिक लाने के लिए आपका जो वेबसाइट है वो टॉप 10 में रैंक करनी चाहिए किसी भी कीवर्ड पर, जिस कीवर्ड पर आपने पोस्ट लिखी थी। तो ये कीवर्ड आप टॉप 10 तक कैसे पहुँचोगे, इसलिए बैकलिंक इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब यही बैकलिंक का इंपॉर्टेंस है। तो ये हमने देखा बैकलिंक इंपॉर्टेंस की, तो यही बैकलिंक का इंपॉर्टेंस है कि वो आपको रैंक करने में गूगल में मदद करती है। और अब आपको ये भी पता होगा या होगा कि बैकलिंक क्या होती है। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक के बारे में, मतलब कैसे बैकलिंक आप ले सकते हो, कितनी तरह की बैकलिंक होती है, तो ये सब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों बैकलिंक की अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट बैकलिंक होती है वो होती है डायरेक्टरी सबमिशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्टरी होती है इंटरनेट पे जो कि सबकी वेबसाइट की लिस्ट लगती है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि डायरेक्टरी सबमिशन, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी जो कि डायरेक्टरी सबमिशन करती है। तो वहाँ जाकर आपने क्या करना है, आपने जो भी वेबसाइट बनाई है उसको रजिस्टर कर देना है। जैसे अगर आप किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो उसमें कैसे आप रजिस्टर करते हो, वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट को इस डायरेक्टरी सबमिशन में रजिस्ट्री करा देनी है। तो वहाँ से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। ऐसा करके बहुत सारी डायरेक्टरी सबमिशन की साइट होती है जहाँ से आपको बैकलिंक ले लेना है, और यह बिल्कुल फ्री का बैकलिंक होता है। ये आपके ब्लॉग पे कुछ हद तक ज़्यादा प्रभाव डालता है, यानी कि मान लीजिए अभी आपका ब्लॉग को कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सबमिशन करा लोगे तो आपकी ब्लॉग की थोड़े बहुत बैकलिंक बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत उसका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। दोस्तों गेस्ट ब्लॉगिंग बैकलिंक लेने का सबसे अच्छा तरीका है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि किसी बंदे की वेबसाइट है, तो उसमें आप लोग को क्या करना है कि उसका DA और PA बहुत हाई है, मतलब वो वेबसाइट ऑलरेडी गूगल पे रैंक कर रही है बहुत सारे आर्टिकल पर। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि वो वेबसाइट मुझे को भी एक लिंक दे दे, मतलब वो वेबसाइट मेरे बारे में भी अच्छा बता दे। तो इसके लिए आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो। गेस्ट ब्लॉगिंग में ऐसा होता है कि आपको एक अच्छा सा आर्टिकल बनाना है और उस बंदे को ईमेल करना है कि मैंने ये आर्टिकल लिखा है, मैं आपको गेस्ट ब्लॉगिंग पे देना चाहता हूँ, मतलब मैं गेस्ट ब्लॉगिंग आपके ब्लॉग पर करना चाहता हूँ। तो आप जो भी आर्टिकल उसमें लिख के उसको दोगे, उसमें बीच में आर्टिकल के बीच में आप अपना लिंक यानी कि आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक भी आप दे दोगे, और अगर वो बंदे को आर्टिकल अच्छा लगता है तो वो गेस्ट ब्लॉगिंग में आपके आर्टिकल को पब्लिश कर देगा। तो वो जो कि बहुत ही अच्छी साइट है और जहाँ पर आप अच्छी तरह से SEO किया हुआ आर्टिकल लगा के बैकलिंक ले सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, वो आपको बैकलिंक लेने देने से मना नहीं करेगा। तो गेस्ट ब्लॉगिंग लेने के तरीके क्या है, तो आपको सिंपल जो भी आपका कीवर्ड है, अगर आप टेक की कैटेगरी में हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन के बारे में बताते हो, तो आपको वही कीवर्ड लिख के साइड में गेस्ट ब्लॉगिंग लिख के गूगल पे सर्च कर देना है। तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी साइट आ जाएगी जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग को एक्सेप्ट करती है। इसमें से कुछ ब्लॉगिंग साइट डायरेक्ट आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करने की आमंत्रण देती है, और कुछ जो वेबसाइट होती है उसके लिए आपको पहले ओनर से बात करनी होती है, और अगर ओनर को आपका पोस्ट पसंद आता है तो ही वो गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रूव करती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहे तो इंटरनेट पर गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में और यूट्यूब में गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में सर्च करके बहुत सारी जानकारियाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पेड लिंक बिल्डिंग, यानी कि दोस्तों आप किसी वेबसाइट को पैसे देते हो वहाँ से लिंक लेने के लिए। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने आपको गेस्ट ब्लॉगिंग देने से इनकार कर दिया, तो आप उसे स्पॉन्सर लिंक के लिए अप्रोच कर सकते हो। दोस्तों स्पॉन्सर लिंक को पेड लिंक भी कही जाती है, मतलब आप उसे बोल सकते हो कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, अगर मुझे आप लिंक देते हो तो फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगा। पैसे दोस्तों आप 500, 1000, 2000, 5000, जितनी अच्छी साइट उतने अच्छे उनके पैसों की डिमांड होती है। तो ऐसा करके आप वहां से लिंक ले सकते हो पैसे देकर। लेकिन यकीन मानिए, आप जो भी बैकलिंक किसी अच्छी साइट से भले ही आप पैसे देकर लो, लेकिन अच्छी साइट से बैकलिंक लोगे तो आपका ब्लॉग में वो बहुत ही असर करती है, क्योंकि आपका ट्रस्ट भी साथ में बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब आप तभी कीजिएगा जब आपको ब्लॉगिंग में सीरियस हो जाए। अगर आप 1 से 6 पार्ट मेरे देख चुके हो वीडियो के, जो पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपको यही सोचना है कि ब्लॉगिंग से आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते और रातों रात पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप सही मेथड यूज़ करके उसको कुछ समय, जैसे कि 6 महीने 12 महीने का समय ब्लॉगिंग को देते हो, साथ साथ आप सीखते जाते हो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से, तो ब्लॉगिंग आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है, और एक टाइम पर वो आपको बहुत अच्छी अर्निंग करके भी देगा। उसके बाद दोस्तों एक आता है फॉरम लिंक। तो दोस्तों फोरम लिंक, जैसे कि बहुत सारे लोग बात करते हैं फोरम में, जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो कोरा, कोरा पर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी
सवाल पूछते हैं। अगर आपको उस सवाल का जवाब आता है तो आप उसका जवाब देते हो, और बदले में आपने अगर उस पर कोई आर्टिकल लिखा है तो उस आर्टिकल की लिंक भी वहाँ पर दे देते हो, तो वहाँ से भी उस फोरम से भी आपको लिंक मिल जाती है, और ये तरीका फ्री है फोरम लिंक बिल्डिंग का। उसके बाद दोस्तों आती है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। इसको कहा जाता है कि आप सामने वाले किसी बंदे की जिसकी लिंक ब्रोकन हो चुकी है उसको हेल्प करते हो, और हेल्प के बदले में वो आपको लिंक दे देता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है जिसने एक दूसरे को लिंक कर दिया है। अब मान लीजिए कि किसी बंदे ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, तो वो आर्टिकल को किसी दूसरी वेबसाइट से रैंक मिला हुआ था जो कि काफ़ी अच्छी थी, कि ये बंदा मोबाइल फ़ोन के बारे में सबसे अच्छा आर्टिकल लिखता है, ऐसा करके उसने लिख दिया हुआ था। लेकिन अभी रिसेंट जिस बंदे ने लिंक लिया था उस बंदे ने वो वाला आर्टिकल ही डिलीट कर दिया है। तो मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ से उसको लिंक मिली थी वो सारे पेज इरर शो होंगे, यानी कि उस पर 306 इरर आ जाएगा। तो इरर ऐसे आपको लिंक फाइंड करनी है जो कि ब्रोकन हो, एक सी वेबसाइट फाइंड करनी है जो कि ब्रोकन लिंक हो। और अगर आपने सेम वैसी टॉपिक पे अगर कोई आर्टिकल लिखा है तो फिर आप उसको भी लिंक देने के लिए बोल सकते हो। आपको उसका ईमेल ले लेना है। आपको ईमेल के लिए क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो आपको ईमेल हंटर का एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, ये एक एक्सटेंशन आता है। तो दोस्तों ईमेल हंटर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो आप वहाँ से किसी भी ब्लॉगर का यानी कि किसी भी ब्लॉग की वेबसाइट का आप ईमेल एड्रेस ले सकते हो, और उसके बाद आपको उनको कांटेक्ट करना है ईमेल के थ्रू कि आपकी वेबसाइट पर मैंने ये ब्रोकन लिंक देखी है जो कि इरर बता रही है, और मैंने भी इस तरह का एक आर्टिकल लिखा है, तो आप मेरी लिंक वहाँ पर दे सकते हो। अगर बंदा आपसे खुश हो जाता है तो वो आपको लिंक जरूर करेगा, और ब्रोकन लिंक बिल्डिंग से भी आप अच्छी लिंक बना सकते हो। उसके बाद आता है प्रोफाइल लिंक बिल्डिंग। दोस्तों जैसे कि डायरेक्टरी सबमिशन है वैसे ही प्रोफाइल लिंक बिल्डिंग भी काम करता है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने जैसी बात नहीं है, ये आपके ब्लॉग पर सिर्फ थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, बाकी ज़्यादातर अफेक्ट आपके पास गेस्ट ब्लॉगिंग, पेड ब्लॉगिंग और ब्रोकन लिंक बिल्डिंग ही आपके पास सब फॉलो करती है। उसके बाद दोस्तों एक और है डोनेशन बैकलिंक। अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छा चल रही है, काफ़ी अच्छा आप रेवेन्यू भी कर रहे हैं, और आप कुछ ऐसी संस्था है, कुछ ट्रस्ट है जिनको आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें डोनेट कर सकते हो, और डोनेशन के बदले में वो लोग आपको लिंक भी दे सकते हैं आपकी वेबसाइट का कि इन लोगों ने हमें पैसा डोनेट किया है। तो ऐसा करके भी आप बैकलिंक वहाँ से ले सकते हो। इन शॉर्ट आपको अपनी वेबसाइट का ट्रस्ट बनाना है, इसलिए आपको वहाँ से लिंक चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू बैकलिंक। अगर कोई वेबसाइट आपका इंटरव्यू लेती है तो वो भी आपको बैकलिंक दे सकती है। लिंक शेयरिंग। दोस्तों लिंक शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी छोटे ब्लॉगर यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई छोटे ब्लॉगर है जिनके ज़्यादातर ब्लॉग रैंक नहीं हो रहे, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लिंक देने लगते हैं। मतलब मैं आपको लिंक दूंगा, आप मुझे लिंक देंगे, तो इस तरह की लिंक बिल्डिंग को लिंक शेयरिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक मेजर पार्ट आता है जो कि एक कॉम्पिटिटर लिंक एनालिसिस। ये दोस्तों काफ़ी कम लोग ही कर पाते हैं, और जो कि ब्लॉगिंग की फील्ड में जिनको महारत हासिल है, जो कि बहुत सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये सबसे अच्छी तरीके से आता है जो कि है कॉम्पिटिटर्स लिंक एनालिसिस। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, RF जैसे टूल में, या फिर मैंने आपको अगर आप फ्री टूल यूज़ करना चाहें तो यूबर सजेस्ट का बताया, उसको आप यूज़ करके तो आपके जो कॉम्पिटिशन है, मतलब कौन सी वेबसाइट आपके बीच में आ रही है, अगर आप गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो अपने लिए, तो कौन कौन सी वेबसाइट है जो कि उस लिंक को दिखा रही है, तो उन वेबसाइट की लिस्ट को आपको कॉपी कर लेना है, और बाद में उनके आर्टिकल में जाके आपको ये एरेप का टूल है उसमें, या फिर उबर सजेस्ट के टूल में उनकी वेबसाइट का आर्टिकल डाल देना है, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर की आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने कहाँ कहाँ से लिंक बनाए हैं। तो फिर आप भी वही सेम मेथड यूज करके उस वेबसाइट के ओनर को आपको भी लिंक देने के लिए इन्विटेशन भेज सकते हो, और वो बंदा भी अगर आपको लिंक भेज देता है तो भी आपका जो वेबसाइट का ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों लिंक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। अगर लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे तो गूगल भी आपको अच्छा बोलेगा। जैसे कि हम रियल लाइफ में देखें, अगर हम किसी इंसान से अगर हमारी अच्छी पहचान है तो वो हमारे बारे में अच्छा ही बोलेगा। इसी तरह इंटरनेट पर अगर आपकी वेबसाइट है तो दूसरी वेबसाइट जो कि आपके बारे में अच्छा बोल रही है, तो गूगल भी जो कि खुद एक वेबसाइट है वो यही समझेगा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, यानी कि आपकी अच्छी वेबसाइट है, और वो भी आपको आर्टिकल को, आपके जो आर्टिकल आपने लिखे हैं उसको पहले पेज पे गूगल पे दिखा सकता है। तो ये सारे ट्रिक है बैकलिंक बनाने के। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए वो आप कर सकते हो, और ये सारे तरीकों में भी आप थोड़ी थोड़ी बैकलिंक बना ले रहे हो, जैसे कि कुछ आपने गेस्ट ब्लॉगिंग बनाई, कुछ डायरेक्टली सबमिशन कराई, तो भी आपके पास बैकलिंक का एक अच्छा जूस हो जाएगा। और ये आप अगर अपने गूगल एनालिटिक्स के पेज पर जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रैफिक में भी बढ़ोतरी हुई है।
क्योंकि आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ा है और गूगल उसको और ऊपर दिखाता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो मैंने बता दी, बताने के लिए तो एकदम सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको बैकलिंक के बारे में सीखना है तो ये बहुत ही आपको इसके लिए चीज़ें सीखनी पड़ेगी। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, डिटेल आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बैकलिंक के ऊपर और इन सारे तरीकों के ऊपर अगर आप डिटेल में आर्टिकल पढ़ते हो तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा रैंक करने के लिए। और दोस्तों आपकी वेबसाइट जैसे ही अच्छी रैंक होने लगती है तो आपको पैसा भी आने लगता है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा कि अगर आपकी वेबसाइट रैंक है तो उससे पैसे आपको कैसे कमाने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है कि ब्लॉगिंग कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर आप रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। हाँ, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों के बाद जब आपका ब्लॉग रैंक करने लगता है तो ये आपको अच्छी खासे इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ब्लॉगिंग से इनकम करने के क्या क्या तरीके हैं। तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए।